ओके अविधि प्रिशा हैव नॉट कम। ओके होमवर्क हो गया मेरा, लॉक का होमवर्क। ओनली जीतू इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। आफीफ, लॉक का मैंने होमवर्क दिया था, किया है वो? आई हैड गिवन सम पेज ऑन वन पेज अराउंड 9-10 प्रॉब्लम्स। आफीफ सर, आई हैवन डन इट सर, स्पीक लाउडली। सर आई हैवन कंप्लीटेड, आई सेंड व्हाई इट टू व्हाई यू। व्हाई यू आर नॉट डन इट? ओनली आई एम सीइंग जितेंद्र इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। यस्टरडे ऑल्सो ही हैज सॉल्व्ड एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिप्लाई हिम एवरीथिंग। जितेंद्र सर हाँ, बस ऐसे चालू रखो, ऐसे थ्रू आउट चालू रखो, यू विल गो इन टू द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके सर ओनली कीप वर्किंग हार्ड थ्रू आउट, ऑल राइट? ओके, आज मैंने कुछ पिक्चर भेजी आपको, आपने देखा वो पिक्चर्स? किसी ने, किसी के पास दूसरे फोन पे रेडी है? इफ आई टेल यू टू रीड आउट दैट, यस सर आई किसके पास रेडी है? आफीफ यू आर हैविंग ना? यस सर। ओके, तो सबसे पहले आई टेल यू, आपने ये सिंबल देखा होगा ईएमएफ, उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है टर्मिनल वोल्टेज और यू नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यू ऑलरेडी नो इंटरनल रेजिस्टेंस। Is denoted by छोटा r, छोटा r. You already know this. Now, here I would like to tell you some very important phenomena. Suppose there is an external resistance r. Okay, there is a cell. This is positive terminal. This is negative terminal. And इसके अंदर you know cell का I am representing like this. इसके अंदर you know cell है. Electrolytic solution is there. Maybe some chemical solution which is going to generate power. Okay, this is positive terminal, this is negative terminal. Now, tell me one thing. Do you agree? The current has to flow through external resistance. Then, under aane ke baad, you know, this voltaic cell will oppose the flow of current through the cell itself. जो सेल का सोल्यूशन है ना वो अपोज करता है, तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं छोटा आर से और बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर भी वन थिंग, सेल का काम क्या होगा? टू कीप ऑन सप्लाइंग, टू कीप डूइंग वर्क सो दैट चार्ज, सपोज देयर इज सम चार्ज क्यू, देयर इज सम चार्ज क्यू, दिस चार्ज क्यू हैज टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। उसके लिए वर्क और एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बाय द सेल। Energy has to be supplied by the cell. इसके नाम electromotive force है, but it is not force ना, ये ध्यान रखना। It's energy or work. Remember, whatever work a cell do to supply charge through external resistance, कुछ ना कुछ work करना होगा यहाँ से भगाने के लिए charge को, उसको बोलते हैं terminal voltage or terminal potential difference or simply potential difference across the two terminal of the cell. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आने के बाद cell will go through internal resistance, इसको भी fight करना पड़ेगा, इससे भी fight करके जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे whatever work it has to do to supply through external as well as internal, that that particular work then is called EMF or electromotive force. मतलब external resistance as well as internal resistance का एक word, simple word क्या बोलूँ? Anybody can tell me? External resistance क्या तो हो गया? Work done through external resistance. टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल, इसका मैं एक वर्ड बोलता हूं वो है थ्रू द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट में आ गया क्या मालूम है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? इट इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? दिस वर्क अपॉन चार्ज। एंड एक छोटा वोल्टेज लेता हूं वी, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज। नाउ हियर हु विल टेक मी बाय माय एक्सप्लेनेशन, दिस वर्क डन इज डूइंग व्हाट? एनीबॉडी?
EMF के टाइम पे जो वर्क डन है वो इस चार्ज को कहां कहां भेज रहा है? प्लीज टेल मी आंसर. ये W वर्क डन, EMF का वर्क डन थ्रू द कंप्लीट सर्किट है, तो ये चार्ज को कहां कहां भेज रहा है? Where it is sending? Through only external resistance or only through internal resistance or what? The complete circuit. Through the complete circuit, that is right. This W is work done to send the charge through the complete circuit, external as well as internal. And W1 kya hai? What is W1? Sir, only through the charger, through the circuit, resistor. That is right, that is right. W1 is work done only through which resistance? External resistance. And what about W2? W2 is sending this charge through what? Internal resistance. It is so simple. You know, apni nahi book mein hai na, our new book, I did not like the way it has been presented. So, maine jo apne notes se jo ki purane syllabus mein use karta tha, you know, concept never changes. Concept is never wrong. So, that's why what I have done is, I have taken my picture of the old book where I had prepared myself the notes. I have sent those picture to you. So, there, you know, things become very easy. I'm telling you. बहुत आसान लगेगा एकदम हम लोग पढ़ेंगे तो. एंड यू कैन यूज दिस इन एग्जाम ऑल्सो बिकॉज कॉन्सेप्ट नेवर चेंजेस. अगर वर्ड्स इधर उधर करके वो लोग ने नया रखा है बट कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज. तो आई वुड लाइक अफीफ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन योर नोट्स पे क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ द सेल, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू राइट. क्वेश्चन लिखो, what do you mean by, explain what you mean by EMF of a cell. Please write this. Anju? ओके क्या हाँ पूछो. हैव यू रिटन? यस सर. ओके नाउ अफीफ रीड द आंसर ऑफ दिस व्हिच आई हैव गिवन टुडे मॉर्निंग. सर ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज एक्चुअली एनर्जी. इंट्रोडक्शन. व्हेन करंट फ्लोस थ्रू सर्किट देन चार्ज circulate through external resistance and through the cell itself. The motion of a charge is opposed by external resistance and internal resistance of a cell. Therefore, the charge loses the energy. The function of a cell is not to supply. Is to supply the energy as to overcome the charge through external and internal resistance. Overcome the resistance through external and internal resistance. ओवरकम द अपोजिशन लिखो. अपोजिशन चार्ज के बदले है ना काट के लिखो अपोजिशन. प्लीज कैंसल द चार्ज और उधर लिखो अपोजिशन. मतलब कहीं पे नोट करके रखो कि चार्ज को रिप्लेस करना है. नाउ यू कैन नॉट राइट इन द फोन. ओके नेक्स्ट आगे. दैट एनर्जी टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड? What is the most important word in this entire complete? The word complete is very important. Through the complete circuit mein aa gaya ye bhi aur ye bhi, external as well as internal. Okay, aage padho. Definition padho beta. The energy supplied or work done by a cell to circulate a unit positive charge once around the complete is called electromotive force of the cell. आप समझे वर्ड कंप्लीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर फॉर्मूला देखो. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इफ W इज द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू सर्कुलेट चार्ज Q वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट देन ईएमएफ ऑफ अ सेल इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज. ओके ये देखो E इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. अब ये ना यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ दो. हां यूनिट खाली देख लो. व्हाट इज द यूनिट? जूल पर कूलंब और वोल्ट. वो खाली यूनिट ध्यान में रखना. Dimensions, I'll teach how to find dimensions. That is still remaining.
okay. Next, brother, what do you mean by terminal potential difference? Itna jagah chhod ke, listen, leave the space, leave this much space in your textbook and write this new question, so that you know question will remain in front of you in your own handwriting. That will give you better understanding. Likho. Please write the question. Ek minute chalu rakhna. Ek minute. I'm just off screen. Suno. Are suno jaane do. Suno jaane do. Okay. Okay. इसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो इंट्रोडक्शन. आफीफ आप पढ़िए बेटा. एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इंट्रोडक्शन. वी नो दैट अ चार्ज व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हैज टू ओवरकम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. द टर्मिनल डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. Through the external resistance. Udhar word tha complete. Aur idhar kya hai word? External resistance. Terminal potential difference means capital V. And EMF means capital E. Capital E ke time pe kidhar supply karte charge? Capital E ke time pe charge through? Complete circuit. And capital V ke time pe charge through? External circuit. That's right. Okay. Abhi definition padho. A definition: the energy supplied or work done by a cell to circulate a unit positive charge through external resistance is called the terminal potential difference. Yeah, right, beta. Again. Sorry. Sir, read the formula. Formula. Padho. Yes. Formula: if W1 is the work done or energy supplied by a cell to circulate charge Q through the external resistance, then terminal potential difference V is given by V is equals to W1 upon Q. Is that clear? Very easy. Tell me one thing. Isn't it very simple? Okay, next. Yeah. Explain what is meant by internal resistance of a cell. Okay, chalo. Haan. एक काम करो ना, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद एक नोट लिखना अपने टेक्स्ट पे, जहां पे अपने क्वेश्चन लिखे ना उधर लास्ट लाइन लिखो. नोट में लिखो, नोट के बाद v इक्वल टू i इंटू आर. जिस नोट यू राइट आफ्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस वाले पार्ट के बाद v इक्वल टू I into R. Note, N-O-T-E, note, V equal to IR. Okay, iske baad padho. Next. Explain what is meant by internal resistance of a cell. Introduction. When charge moves through a cell, then opposition is offered by the electrolytes inside the cell. This opposition is called the internal resistance of cell. The internal resistance is in series with external resistance. There always exists some internal resistance for practical cells, but for ideal cells it is zero. Uske baad definition padho. Definition: the resistance offered by the electrolyte of a cell when a charge flows through is called internal resistance of the cell. That is right. Formula: if W2 is the work done by a cell to circulate charge Q through the internal resistance, then potential difference across the internal resistance is given by small v is equals to W2 upon Q. Note, small v will be W2 by Q. वहाँ पे note देखो क्या लिखा है. Note: छोटा v equal to I into छोटा r. इसे वैसा ही note वहाँ पे लिखना मैं भूल गया था. तो note: बड़ा v equal to I into बड़ा r, like that. Okay, उसके बाद unit and dimension. Unit of internal resistance is ohm.
All right. Now, next question. Next question, बहुत easy है. You already have the diagram. मैं इधर ही इसी में बना देता हूँ. मुझे इतना बताओ. Is this circuit clear? Is circuit clear है क्या आपको? Is circuit clear है कि doubt है कुछ circuit में? Please tell me. बच्चे लोग, कुछ doubt है क्या circuit में? This circuit. बोलो यस नो कुछ तो बोलो यार विधि ये फॉर्मूले से व्हाट डब्ल्यू कैन बी रिटन एज देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट इलेक्ट्रोमोटिव टू चार्ज मतलब व्हाट इनटू व्हाट क्रॉस मल्टीप्लाई अरे क्रॉस ई इनटू क्यू एंड व्हाट इज डब्ल्यू वन इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट very good this boys and W2 equal to what V chota V into Q but tell me what is the total work through the entire circuit ka and entire complete circuit W W1 is work through external W2 is work through internal so what is the relation between W W1 and W2 mujhe batao by law of conservation of energy W equals to W1 plus W2. That is right. W equal to W1 plus W2. W equal to W1 plus W2. All right. W ke badle kya likhu main? Kya right EQ? W1 ke badle kya likhu? Kya right VQ? W2 ke badle kya right V into chota Q? Q gets cancels. And what will I get therefore? Can I say E equal to bada V plus chota V? E equal to bada V plus chota V. But by Ohm's law, what is capital B equal to? I into capital, and what is small B equal to? Who will tell me this? So current into small r. That is right. Well, bahut acha. And therefore, what is E equal to? E equal to क्या लिखूं? I into capital R plus I into small r. और इसमें आ रहा है ना therefore E equal to I into बड़ा R plus छोटा R. And therefore I equal to E upon बड़ा R plus छोटा R. That's the answer. This is the best way of deriving. क्योंकि अपने नो अपने टेक्सटबुक में अच्छी तरह नहीं दिया. I did not like it at all. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था ओके okay? एक बार फिर से रूलर मार दूं रूलर यस सर ओके आई एम पुटिंग द रूलर ऑन एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल टुडे देखो सबसे पहले मैंने ईएमएफ बताया व्हाट इज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज नाम का फोर्स है लेकिन फोर्स नहीं है वो एनर्जी है वर्क है व्हाटएवर वर्क A cell has to do to supply a charge Q through the entire circuit. That work or energy supply is called EMF. What is capital V? Work or energy supply to send a charge or send a unit positive charge. Jo bola through the external resistance is called terminal voltage or terminal potential difference. Usko capital V se represent karte hain. All right. Now. इसके लिए E का फॉर्मूला क्या है E का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज दिस W रिप्रेजेंट वर्क थ्रू दिस एज वेल एज दिस और थ्रू द एंटायर कंप्लीट सर्किट कैपिटल V इज वर्क डन टू सप्लाई चार्ज ओनली थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे ट्यून यहां पे जो वर्क होता है उसको W1 बोलते हैं और व्हाट सम वर्क हैज टू बी डन थ्रू द सेल क्योंकि सेल भी है ना इवन तो सप्लाई करता है लेकिन उसके सेल अपोज करता है बोलते हैं आने नहीं दूंगा लाइक दैट बट इट हैज टू डू वर्क Against the internal resistance, that work I have represented by W2, right? Now, so E equal to W by Q, V equal to W1 by Q, V equal to W2 by. My question was now, mass W2 kya beta? Mass, what is W2? Mass, unmute karo aur bolo. Mass, unmute karo aur bolo. Sir, through internal resistance. That's right. बहुत अच्छा. I love it. बस ऐसे बीच-बीच में मैं टेस्ट करता रहूँगा.
And ohm, W kya hai? W, ohm, ohm, unmute करके बोल. Work sir. हाँ work तो है लेकिन किसका है? Work. अरे work through what? Work through internal additions है ना, बराबर ना? Work done through internal additions ना? अरे बोल mom. No sir, external resistance. तो फिर बोलना ऐसा पूरा इतना time pass क्यों कर रहा है? Okay, W1 is through external, W is through complete, W2 is through internal. So W equal to EQ, W1 is VQ, and W2 is chota V into Q. But by law of conservation of energy, total work done is work through external plus work through internal. EQ equal to VQ plus chota VQ. Q, Q, Q gets cancelled. So E equal to V plus chota V. But by Ohm's law, what is V? I into bada R. Chota V, I into chota R, I common, R equal to E upon R plus R, that's the derivation. Do you like this method? Do you like this method or no? Yes, sir. Have you understood this? Huh? Yes or no? Yes, sir. Okay, lovely. Vidhi, you came late, but still I think you understood everything. Yes, I understood. Good, very nice, beta. Bahut achha. अब हम क्या करेंगे मालूम है? इसके बाद एक क्वेश्चन है. एक काम करो, अपने ये वाले नोट्स पे आ जाओ जो अपने क्लासेस से आपको दिए नोट्स, उसके यू नो क्वेश्चन नंबर 70 पे आओ. 70 क्वेश्चन 70 आराम से, ठीक है? ऑन टाइम कम प्रॉपरली. ये आपको लिखना है, प्लीज राइट इट इन योर इन फेयर नोट्स, क्योंकि पिक्चर डिलीट हो जाएगा फोन में से, इसलिए मैंने आज थोड़ी देर पहले ही डाला जिससे तुम्हारा डिलीट नहीं हुए पिक्चर. एवरीबडी हैज टू राइट एंड सेंड टू मी ऑन माय पर्सनल लिखने के बाद. इज दिस क्लियर? खाली मुझे जितेंद्र अच्छी तरह काम कर रहा है. माज, ओ माज, yes, sir. क्या करना है आपको? ये लिखना है अच्छी तरह से, फोटो जो फोन में आज नोट्स भेजी हुए और मेरे फोन पे भेजना है. कंपल्सरी एवरीवन, प्रिशा, विधि, एवरीबॉडी, ये मिटा दो इसको. इसे yes, मिटा दिया जाए. हाँ यस सर. ओके, थैंक यू बच्चे लोग. खाली तुम लोग हार्ड वर्क करते रहो, हम लोग अभी सीईटी जेईई नीट करके तुम लोग को एकदम मजबूत बनाएंगे. वी वांट टू सी दैट यू आर द बेस्ट. क्वेश्चन 70 रीड करो आफिफ. यस सर, आई एम ओपनिंग. सर, एक्सप्लेन द कंडीशन मिनिमम करंट. हाँ बोलो रीड. Explain the conditions for maximum current. देखो, यहाँ भी देखो, मैं अपने own word में लिख रहा हूँ. Denominator R plus R should be minimum. But small r is not in our control. Therefore, if capital R is zero, I will be maxi. Maxi का मतलब maximum. देखो, मैं आपको समझाता हूँ कितना आसानी से लिखा है इसको. देखो, I equal to E upon R plus R, ये formula. इसमें हम लोग कोई change नहीं कर सकते. ये हमने डिराइव किया. मुझे एक बात बताओ, स्मॉल आर तो हमारे हाथ में नहीं है, अंदर वोल्टेज सेल है, वो सब बन गया है. स्मॉल आर के बिना पॉसिबल ही नहीं कोई सेल का होना. एवरी सेल, व्हाटएवर इट मे बी एक्सेप्ट द आइडियल सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और होगा. यू कांट डू एनीथिंग विद दिस. देयरफॉर स्मॉल आर कांट बी चेंज्ड. फॉर आई टू बी मैक्सिमम, कभी भी कोई चीज मैक्सिमम कब होती है? जब डिनोमिनेटर उसका कम हो, एकदम कम हो. डिनोमिनेटर आर प्लस आर शुड बी मिनिमम.
But R is not in our control. R could change. If capital R equal to zero, I will be maximum. Therefore, what is the formula for maximum current? Who will tell me I max the formula? Who will tell me I max the formula therefore? कौन बताएगा मुझे? जीतू आई मैक्स का फॉर्मूला बता. जीतू आई मैक्स का फॉर्मूला बता. नहीं बोल रहे. हाँ जीतू बोल, आवाज नहीं आ रही है. सर नो आइडिया. नो आइडिया. ओके, व्हाट अबाउट विधि? व्हाट इज आई मैक्स? Sir, E upon 0 plus R, that will be E upon small r. That is right. Lovely. Arre, Jitu, small capital R ko 0 rakhna bas. Ye 0 rakhte hi, this will become maximum. Ye 0 aata 0 plus R is chota R. So, abhi read karo answer. Okay. Here, you want to copy this? Do you want to copy this? Yes. Copy karlo. मिटा दूं इसको? मिटा दूं? Yes, sir. Okay, इसे मैं मिटा रहा हूं. प्रिशा कॉपी किया? प्रिशा कॉपी किया? Okay. इसके बाद I would like you to read Question 67 and question 68. Question 67, question 68. Afif, what is question 67? Sir, what is an ideal EMF device? That is right. Ideal EMF device. And what is real EMF device? ओके क्या पढ़ो जरा. सो इन एन आइडियल ईएमएफ डिवाइस देयर इज नो रेजिस्टेंस नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स द ईएमएफ ऑफ द डिवाइस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस. और यहां पे in a real EMF device there is an internal resistance to the motion of the charge carriers. If such a device is not connected in a circuit, there is no current through it. देखो, ये मैंने, you know, ये points of difference बना दिए. It does not exist. Exist. देखो, एक word है ना आपको throughout your life. कभी बोलेंगे ना आइडियल. आइडियल इज समथिंग विच नेवर एग्जिस्ट. आइडियल वर्ड आराम से समझ जाने का कि ये होने वाला मिलने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट सबको पता है. डू यू वॉच क्रिकेट एंड प्ले क्रिकेट सम ऑफ यू? और क्रिकेट पता है ना क्रिकेट? यस सर. ना यार. ओके. नो सर और यस सर? व्हाट यू सेड? यस सर. ओके. यू नो आइडियल बैट्समैन इन क्रिकेट इज अ बैट्समैन हु नोज ओनली टू हिट सिक्सेस. कोई भी बॉल आएगा खाली सिक्स पे मारेगा. किधर उसको आता ही नहीं दूसरा कुछ भी. एवरी टाइम व्हेन एवर ही गोज टू बैट ईच एंड एवरी बॉल फेस ही विल हिट अ सिक्स. टेल मी सच अ बैट्समैन इज पॉसिबल? नो सर. बस सिमिलरली आइडियल बॉलर इज अ बॉलर हु कभी भी बॉलिंग करेगा तो सीधा मिडिल स्टंप बाहर और आउट करता ही है बैट्समैन को वॉट एवर इट मे बी. सो सिमिलरली आइडियल ईएमएफ डिवाइस such a device which never exists. ये तो पहले हो गया. ideal wife, ideal husband, ideal anything never exists. You know?
तो आइडियल ईएमएफ डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट E equal to V, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा V plus I into छोटा R, but if छोटा R is zero, what will happen to E? E will be equal to V. यहाँ पे E is always greater than V क्योंकि IR भी रहता है, and E equal to V plus IR does not exist. ये वो ना copy कर लो. Then come to problem which is there in question 73. Question number 73. ये संडे को टेस्ट रख रहा हूं मैं. ये टेस्ट होगा इस बार किसके ऊपर टेस्ट होगा मालूम है? एक तो ये अपना चैप्टर, दिस चैप्टर विच इज गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो You suggest me which chapter you want. You suggest me which chapter you want along with physics. Bolo. Afif, which chapter you want? Afif, bache. Sir, any chapter. Choice. Okay, chalo. रीड क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैं 73 रीड करो. अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर. इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. देखो सबसे पहले चाहिए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस of the resistor, calculate the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. Closed or open circuit ka baat bataunga, main batana bhul gaya aapko. I tell you what do you mean by circuit is closed, circuit is open. Dekho, yahan pe question mein we are given EMF of the cell is 12 volt, internal resistance is 3 ohm, current flowing is 0.5 ampere. We have to find external resistance and the terminal potential difference when the circuit is closed. ये closed open का मेरे को याद दिलाना, इस problem के बाद बताऊंगा मैं what is open and what is closed. What is the formula which connects between I, E, छोटा R and बड़ा R? कोई बताएगा? What is the formula which connects between I, E, capital R and छोटा R? बोलो. अभी direct किया. कौन R plus R? That is right. बस आई के बदले कितना लिखू 0.5, ई के बदले कितना लिखू 12, कैपिटल आर मालूम नहीं, छोटा आर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 आर प्लस 3 इंटू 0.5 है ना आधा, 3 का आधा 1.5 इक्वल टू 12, देयरफॉर 0.5 आर इक्वल टू 12 माइनस 1.5 इज 10.5. 0.5 यानी 1 upon 2, तो R will be 2 into 10.5 and that for R equal to 21 meter. Is this right or wrong? Sir, wrong. What is wrong? Sir, the unit, it will come ohm. Lovely. इसलिए मैं कभी mistake करूंगा जान मुझ के. You will have to tell me, sir, 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 ये क्या किया आपने? Sir, right home over there. आपका attention पूरा होना चाहिए, sir की mistake भी ढूंढने का. The one who is finding the mistake is the one who is totally involved in the subject, total lecture के अंदर मेरे साथ है. I hope that's clear. Question 73 के बाद में 77 and 78 you will do as homework.
77 and 78 you will do as homework. Likho wahan pe aur jagah chodo wahan pe. Please do not copy the solution. Copy nahi karne ka solution. Understand? Aur koi doubt hai mere ko puchho. Pehle to hide the solution. Apne aap hi try kar lega. Solution hide karne ke baad rough mein. Aur fir answer nahi aata hai to check kar lega. Kya meri mistake ki? Like that. That will give you the best understanding of the any problem. Okay. 77, 78 ke baad we'll do 80. 80 karenge. Haan, ye ek minute, ek aur cheez, terminal voltage. Anybody can tell me what should I do to find V? Anybody? I into Vigar. That is right. I into Vigar. I kitna hai? 0.5. Vigar kitna hai? 21. volt is the answer. Now I tell you what is open circuit and what is closed circuit. ये सभी को काम कर रहा है आज बराबर से नोट्स में से आपको लिखना है अपने ओरिजिनल बुक में एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द संडे एग्जाम फॉर दिस चैप्टर. Only this chapter or I think log bhi lunga, log ka chapter bhi lunga. I take log also. I'll take maths ka log. Ye do chapter to honge. Mitao isko? Mitao? Yes or no? Okay. I tell you what is open close bahut easy hai yaar. Bahut easy hai. 2 minute mein samajh mein aayega. Dekho. Ye support external distance. Ye cell. Or a key. All right. Now remember one thing. When key is open, मुझे इतना बताओ क्या करंट पास होगा यहाँ से? अब अगर की खुल रहा है तो सर्किट को, हाँ? No, will current will pass? No. That time terminal PD across cell will be equal to EMF. And when key is closed, so then it will be terminal voltage. Then terminal potential difference across cell will be equal to V. अगर करंट ही सप्लाई नहीं कर रहा है यहां से तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा. अगर करंट सप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस विल कम इनटू पिक्चर. सी द रेजिस्टेंस स्मॉल आर विल कम इनटू पिक्चर एंड स्टार्ट फाइटिंग विद द करंट. बोलेगा करंट को नहीं जाने दूंगा एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V. खाली ध्यान रखना व्हेनेवर दिस इज ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है. व्हेनेवर दिस इज क्लोज सर्किट दैट मींस करंट इज फ्लोइंग. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज E. जब करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ये ध्यान में रखना. इज दिस क्लियर और नॉट? लेट मी आस्क प्रिशा, व्हेन सर्किट इज सेट टू बी ओपन सर्किट? प्रिशा बोलो ना, अनम्यूट करो. व्हेन सर्किट इज सेट टू बी ओपन सर्किट? या यू आर नाउ अनम्यूटिंग, बोलो. When circuit is said to be an open circuit? When current in the circuit is not flowing, not flowing. Key is kept open. And मुझे ओम बताओ, when circuit is said to be closed? This is open circuit. And this is what is ये लिख डालो. Current not flowing.